नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय आप बीसी रोड चीफ इंजीनियर के ऑफिस पियाजी विभाग के बाहर एक बार फिर से डेली वेजर ने हुंकार भरी है। आप जानते हैं रमजान शरीफ का महीना भी चल रहा है और रमजान के पाक रोजे भी चल रहे हैं। वही दूसरी तरफ अभी हाल ही में जो कि नवरात्रे भी थे, उसी के चलते ये डेली वेजर जो हर बार उम्मीद लगाए बैठते कि हर नवरात्रे या रोजों के बाद इनकी ईद अच्छी होगी, दीपावली अच्छी होगी, कोई भी त्योहार अच्छा होगा, पर शायद प्रशासन और सरकार ने अपने कानों में तेल डालकर, कानों में रुई डालकर बैठे हैं और रत्ती भर भी इन लोगों की चीखों पुकार का असर नहीं हो रहा। और जो कि पहले ही आह्वान कर दिया गया था 18 को, और 18 को पहले ही कहा गया था कि राजभवन का ये लोग घेराव करेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलने का उन्होंने प्रयास किया था और उम्मीद जगाई थी कि आने वाले समय में इनकी उम्मीदें जो खुशहाली में बदलेगी, पर लगातार ये लोग अपनी और इस समय आप देख रहे हैं इस एरिया को पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया। जब भी इस तरह के प्रदर्शन होते हैं तो एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया और आपने देखा पूरी तरह से पुलिस की यहाँ पर नाकाबंदी कर दी गई है। और आप देखिए किस तरह जम्मू और इस समय आप देख रहे हैं पूरी तरह से यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती पूरा एक छावनी में तब्दील कर दिया गया इस पूरे एरिया को, क्योंकि ये लोग जो कि डेली वेजर्स है अपनी आज गुस्से में है, क्योंकि लगातार ये लोग बड़े साइलेंटली प्रदर्शन कर रहे थे कि आज नहीं तो कल, जो भाजपा ने सरकार ने वायदा किया था और मैनिफेस्टो में रखा था 2014 के कि जब केंद्र में हमारी सरकार आएगी सबसे पहले इनके मसले को हल किया जाएगी। आपका नाम देखिए मैम, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि हमेशा आप हमारे साथ होते हो, मैं आपको सलूट करता हूँ। हमेशा आपने हमारा मसला उठाया है, आप देख रहे हैं कि किस तरह पुलिस हमको रोक रही, बार बार हम यही बताते हैं कि 27-28 साल से हमारा हक जो है वो आपने दबा के रखा है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता है। आप देख रहे हैं कि आज भी हम गवर्नर हाउस इसलिए जा रहे हैं घेराव के लिए कि उनको अपना दुखड़ा सुना सके। कितने लोग ऐसे हैं कि जो सुबह 5 बजे उठ के पानी देते हैं लोगों को, हम लोग हैं जो आपके बाथरूम में सुबह 5 बजे पानी पहुंचाते हैं, चाहे हिली एरियाज हो चाहे कोई भी एरियाज हो। हमने फ्लडों में काम किया, हमने कोई भी बड़ी से बड़ी एमरजेंसी आई हमने पानी वहां पे रिस्टोर किया। बार बार ये लोग कह रहे हैं हमें कि आप हमारी बैकबोन हो, लेकिन ये उस बैकबोन को खुद ही तोड़ना चाहते हैं, बार बार तोड़ना चाहते हैं। हम बीजेपी सरकार से कहना चाहते हैं कि हमने आपको इन हाथों से बनाया है, हम क्या अब आप चाहते हो कि हम फिर इन हाथों से आपको उखाड़ दें, क्योंकि आपने मैनिफेस्टो में आप हमारी बात रखी। हर जगह जब आपका इलेक्शन हुआ, DDC BDC कोई भी इलेक्शन हो, आपने हमारी बात रखी, लेकिन इसका क्या फायदा कि हमें फिर से रास्तों पर निकलना पड़ रहा है। बार बार आपके वादे जो है वो झूठे साबित हो रहे हैं और इसीलिए हम फिर से एक बार गवर्नर हाउस की तरफ जा रहे हैं ताकि हम उनको बता सके कि हमारा चूल्हा जो है वो तीन बार नहीं चलता है। प्रतिनिधि गए थे गवर्नर साहब से मिलने, उन्होंने कहा था कि जल्दी आपका कोई मसला हल होगा, पर मसला हल तो होना तो दूर, कोई झूठे आश्वासन भी आश्वासन दिए जाते हैं। मैम यही तो गम है कि इस स्टेट की इतनी बड़ी चीयर जो है वो हमसे झूठ बोल रही है। हमारे लोग, हमारे सीनियर मेंबर्स उनसे मिलने गए, उनको आश्वासन दिया, लेकिन फिर से देखा आपने रमजान के महीने में 35,000 डेली वेजर्स को परमानेंट करने के आदेश दे दिए गए, तो जम्मू में क्यों नहीं, जम्मू में ये इस तरह का भेदभाव क्यों? मैम यही बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर वहाँ के चीफ मिनिस्टर को 3 दिन सिर्फ लगे 35,000 का डिसीजन लेने में, इनको 8 या 7 साल क्यों लग रहे हैं? ये कौन सी नाइंसाफी है हमारे साथ? यही हम बार बार बोल रहे हैं, अगर पंजाब सरकार ने 3 दिन में डेली 35,000 डेली का मसला हल किया, आप हमारा क्या 8 साल में नहीं कर सकते हो? हमें अब समझ आ रही है कि शायद ये भी हमसे अब धोखा कर रहे हैं, इसलिए हम इनको कहना चाहते हैं कि अगर आपने इस बार हमारा मसला हल नहीं किया तो हम आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे और उनका समर्थन करेंगे, लेकिन अगर आपने ये मसला हल किया तो हम बीजेपी को हमेशा अपने यहाँ रखेंगे, सपोर्ट करेंगे। साफ तौर पर कहीं ना कहीं इन लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से पंजाब में भगवत मान ने अपना कार्यभार संभालते ही 35,000 डेली वेजर को पक्का करने का आदेश दे दिया, उसी तरह अगर जम्मू में भाजपा ने मैनिफेस्टो में रखा था कि हमारी केंद्र में सरकार बनते ही डेली वेजर के मसले को हल किया जाएगा। जी रवि जी, क्या कहेंगे? आज आप गवर्नर हाउस का, राजभवन का घेराव करने वाले थे, कुछ दिन पहले आप यहाँ पे गवर्नर साहब के पीए से भी मिले थे, उनसे भी बात की थी, उसके बाद लगातार आपने अपने मीडिया के माध्यम से भी आह्वान किया, आज पुलिस की भी यहाँ नफरी तैनात कर दी गई, गवर्नर हाउस का जाने नहीं दिया जा रहा, चल क्या रहा है? मैम ये
यही चल रहा है कि जम्मू के लोगों को 370 तोड़ने का फायदा दिया जा रहा है। जैसा आपको पता है कि 9 मार्च को एलजी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर कुमार जी, जब उनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आज एलजी साहब ठीक नहीं है, जैसे ही ठीक होंगे आपको बुलाया जाएगा। लेकिन 1 महीना 9 दिन हो गए, आज तक उनकी तरफ से कोई बुलावा नहीं, जो मेमोरेंडम हमने दिया उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए हमने एलजी साहब का गिराव रखा था। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर की पुलिस यहाँ पे लगा दी, जैसे कि कोई हम आतंकवादी हैं। वहाँ कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, वहाँ पे एलजी साहब बेबस हैं, वहाँ कुछ नहीं, लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दी जा सकती। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो अपने हक की बात करता है उनको दबाने के लिए पुलिस बल है, लेकिन जो लोग मारे जा रहे हैं गरीब, उनके लिए पुलिस उनको सिक्योरिटी नहीं देती। डेली वेजर्स के लिए अभी तक गवर्नर साहब ठीक नहीं, उनकी सेहत क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन आश्वासन दिया था उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कि जल्दी आपकी बात को उन तक रखा जाएगा, तो फिर इतना विलंब क्यों? गवर्नर साहब बड़े बड़े प्रोग्राम भी कर रहे हैं, जाकर संबोधित जनता को कर रहे हैं, तो आपकी इतने सारे चिल्लाने के बाद भी आपकी आवाज क्यों उनके कानों तक? मैम, हमारे डेली वेजर साथियों के पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास देने के लिए कोई ब्रीफ केस होता तो हमारी भी बात जरूर सुनी जाती, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स की बात सुनी जाती है, इंडस्ट्रियल वालों की बात सुनी जाती है, इंडस्ट्रियल यानी साफ तौर पर कहें तो अटैची होंगे रिश्ते। बिल्कुल मैम, सही बात है, ये जम्मू का कल्चर रहा है। यहाँ पुराने गवर्नर साहब खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि यहाँ पे 150-150 करोड़ एक एक फाइल का मिलता है, तो जहाँ 150-150 करोड़ एक फाइल का मिलेगा तो वहाँ गरीब जनता की कौन सुनेगा, क्योंकि सुनवाई तो 150 करोड़ वालों की होगी। यही एक कारण है क्यों नहीं मिलते हमसे, अगर हम कोई पाकिस्तानी तो है नहीं, हम भी तो इसी हिंदुस्तान के हैं, यहीं के रहने वाले हैं जम्मू कश्मीर के, हमारी सुनवाई क्यों नहीं? और लगातार 28 साल से, ये तो है नहीं कि हमारे 4 दिन पुरानी डिमांड है, 1.5 साल पहले इसी एलजी साहब ने हमारे साथ वादा किया था कि डीडीसी इलेक्शन के बाद आपके मुद्दों का हल किया जाएगा, लेकिन आज 1.5 साल हो गया, आज वो मिलना ही नहीं चाहते, क्या कारण है? यही एक कारण है कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, इसलिए हमारे साथ कोई मिलना नहीं चाहता। धन्यवाद। इलेक्शन का बिगुल भी कहीं ना कहीं बज चुका है, अब क्या कहेंगे कि आने वाले समय में 61,000 परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है। देखिए मैडम, सरकारों ने जिस तरह से शोषण किया ये भाजपा सरकार कहती थी कि पाप की गंडी है, अब भाजपा के गले मड़ी है, तो क्या इलेक्शन का बिगुल चल बज गया कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में, क्या कहेंगे? देखो मैडम, आपका आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये कहेंगे कि जिस तरीके से पहली सरकारों ने हमारे साथ शोषण किया था, जैसे उन्होंने झूठ बोला था वैसे ही भाजपा सरकार ने भी हमारे साथ 8 साल हमारा शोषण किया है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है इस वक्त वो खतरे में है, हमारा काम जो इस वक्त है वो अपने बच्चों के लिए हम लड़ रहे हैं। एक मिनट सर, प्लीज बोलने दीजिए, बोले इनको तो उनके कानों में तो बात जाएगी, हम क्या बोल रहे हैं? हम कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं हमारे इंसाफ की बात, हमारे बच्चों पे इंसाफ करो, हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है वो दाव पे मत लगाओ। हम डेली वेजर इस वक्त बहुत मजबूर हैं, हमने अपनी जिंदगियां जो है वो पूरी गंवाई है इसी डिपार्टमेंट इसी सरकार के साथ। जम्मू कश्मीर भाजपा सरकार जो है इन्होंने हमें पिछली सरकारों से ज्यादा शोषण किया है। हमारी जो इस वक्त डिमांड है मेन वो रेगुलाइजेशन है, अगर ये रेगुलाइजेशन करेंगे ठीक, अगर नहीं करते हैं तो हम पूरे जम्मू कश्मीर का पानी बंद करेंगे, हम एक बूंद पानी नहीं चलने देंगे, ये हमारे पीएचई एम्पायर यूनाइटेड फ्रंट का दावा है। लाइव दृश्य दैनिक शिमला के माध्यम से इस वक्त पुलिस प्रशासन जो है हमारे ऊपर बहुत जुल्म कर रही है, जो इनके पास सिर्फ यही चीज है, इनके पास और कुछ नहीं है इनके पास। और ये कहा गया कि आने वाले समय में जम्मू वासियों का पानी भी बंद हो सकता है, पानी भी बंद करेंगे हम। और ये जम्मू में जम्मू की खुशहाली की तस्वीर, और शर्म आती है ऐसे नेताओं को जो अभी भी केंद्र में जाकर कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली खुशहाली है। और ये तस्वीरें आपको सीधी बस स्टैंड चौक की, इतनी गर्मी में जेके गवर्नमेंट के खिलाफ एलजीबीसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए, किस कदर आज डेली वेजर का गुस्सा फूटा, शुरू को गिले
और आप देखिए सर प्रशासन को आगे कर दिया गया है इन डेलीविजन को रोकने के लिए। एलजी साहब आप इनकी बात सुनिए, आपने वायदा भी किया था। आज जन आंदोलन उमड़ा है यहाँ पर और ये जम्मू को इस समय पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जब बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं और ये इस समय कोहराम जो है ये डेली वेजर्स का गुस्सा उनकी परेशानियां आज फूटी है। ये निजाम है जम्मू का हमारे ये डंडा देखिए डंडा यहाँ पे और लाठी चार्ज भी कर रहे हैं यहाँ पे आप देखिए पुलिस और पुलिस लाठी चार्ज भी यहाँ पर कर रही है। ये जम्मू के अच्छे दिन है। जो भी से व्यूवर्स हमें देख रहे हैं इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि जो भी समर्थक है उन तक ये सारी खबर पहुंचे कि किस कदर जुल्म हो रहा है डेली वेजर्स पर। रोजा रखा रोजों में यहाँ की एलजी सरकार और जो हमारे अमित शाह जी हैं अमित यादव और प्राइम मिनिस्टर ये रोजों में हम मुसलमानों के हम डेली मित्रों के साथ इतना जुलूम कर रहे हैं। ये हमारा जुलूम है जो 25 साल से हम फ्री में सर्विस करते हैं हमारे ऊपर ये बहुत निंदनीय बात है। मैम आप इस समय देख रहे हैं यहाँ के लाइव दृश्य समय और खुद सोचिए जब जम्मू में 11 दिन की सैलरी मिलेगी 1300-1400 रुपया और कश्मीर में पूरे महीने फरवरी की तो गुस्सा तो फूटेगा ना। 11 दिन की बेद मीना है अभी तक कुछ नहीं दिया। मार्च को बोले देंगे अभी तक कुछ नहीं दिया। सर हम क्या करेंगे अभी धक्का धुक्का पुलिस वाले मारे क्या करना। और इस समय आप देख रहे हैं यहाँ के दृश्य और हम भी घर घर तक इस दृश्य पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता अब समझ जाए जनता अब जागरूक हो जाए कि ये डेली विजन के साथ वायदा किया गया था भाजपा सरकार का। हमें गोली मार दो अगर हम लोग पाकिस्तानी लोग हैं तो अगर ये लोग हमें हिंदुस्तान का नहीं मारते हैं तो हमें लाठी नहीं गोली चलाओ हमारे ऊपर। हम गोली खाने के लिए तैयार है। हम लोग ऐसे भी मरे हुए हैं। हम लोग 28 सालों से
इस डिपार्टमेंट के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा। हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर निकाल दिए, हमारे घर की जो हालत है ये बहुत ही, मैं कहता हूँ कि शर्म के साथ हमें कहना पड़ता है। अगर सुबह का खाना बच्चों को मिलता है, शाम की उम्मीद नहीं होती। इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर रोजादार भी हैं, जिन्होंने रोजा रखा हुआ है वो लोग भी यहाँ पर रोजादार भी हैं, जिन पर यहाँ पर लाठियां बांधी गई हैं। क्या कहेंगे आज यहाँ पर लाठियां भी बरसी और रोजादार भी आपके बीच में लोग हैं और भी लोग हैं। मैडम देखिए, पुलिस लाठी चलाए चाहे गोली चलाए, हम लोग LG साहब LG ऑफिस पहुँच के रहेंगे। आपको पता है हमने डॉक्टर चिंतन सिंह के घर भी पहुंचे, रविंद्र ने घर भी पहुंचे, हम सैम्बालिक प्रोटेस्ट वाले लोग नहीं है। आज की डेट में हमने LG साहब को 10 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बातें से बताया था कि हमारे लोगों की जो जायज मांग है SRO 64 के तहत रेगुलेशन पॉलिसी अनाउंस कीजिए। पिछले 2.5 साल से LG एडमिनिस्ट्रेशन टाल मटोल की नीति अपना रही है, हम टाल मटोल नीति पे आने वाले नहीं है और हमें उम्मीद भी LG ऑफिस से ही है कि ये हमारी रेगुलेशन पॉलिसी अनाउंस करेंगे। अगर आप बिजली के डिपार्टमेंट की 12,000 लोगों की रेगुलेशन पॉलिसी बोल सकते हो तो हमारे लोगों के लिए क्यों नहीं। हम लोग अपनी पॉलिसी SRO 64 तक लेके रहेंगे, उसके लिए चाहे पुलिस गोलियां चलाए चाहे लाठी चलाए, हम लोग उसको, वो अपनी जगह पे सोच रहे होंगे कि इन्होंने जानबूझ के मर, बट पुलिस की वजह से उनको भी धक्का लगा, मैंने उनको माफी मांगी। ऐसा कुछ नहीं है कि हम जानबूझ के मर, पुलिस ने हमें वहां पे मारा और ये देखो क्या हाल कर दिया, हम अपना हक मांग रहे हैं। ये देखिए गंभीर रूप से लोग घायल भी हुए हैं, ये समय आप देख रहे हैं यहाँ के दृश्य किस कदर का माहौल। अभी कहाँ है रविंदर राणा जी, अभी कहाँ है दविंदर राणा जी, अभी कहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जो जिनसे आपने टाइम भी इनके आप लोगों से लिया था। और यहाँ पर देखिए इस कदर, यहाँ पर इस समय इंदिरा चौक इसे सोनी के रूप में तब्दील कर दिया गया और लाइक दृश्य इस समय। लाइव दृश्य आपको इस समय ये एरिया आप देखिए छावनी में तब्दील कर दिया गया और हर तरफ पुलिस ही पुलिस आपको देखने को मिलेगी। सब महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। इवन के यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिर्फ यहाँ पर पुरुष ही यहाँ पर डेली वेजर तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वाह रे जम्मू की सियासत, अरे वाह रे यहाँ की सरकारें, ये है हमारे जम्मू के लोग, ये है हमारे हर डिपार्टमेंट में कार्यरत डेली वेजर्स, जो लगभग 80-90% ये लोग ही है जिनके दम पर सरकारी इदारे चल रहे हैं। और चीफ इंजीनियर साहब तो बात कर राजी नहीं है, गवर्नर साहब की तो बात ही छोड़िए। और इस समय आपको लाइव दृश्य है, हम सीधी तस्वीर है जम्मू के इंदिरा चौक से। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। और ये देखिए साइड पे, और
जब किसी को पेट की मार पड़ेगी तो वो इसी तरह से और फिर से पुलिस और पुलिस बल का प्रयोग करते हुए यहाँ पे इंदिरा चौक में वारे भाजपा आपने कहां पर हमारे डेली वेजेस को लाकर खड़ा कर दिया क्या डंडे खाने के लिए इन लोगों को। अरे अपनी गवर्नर अगर कहते हैं जनता का है भाजपा का गवर्नर नहीं है तो क्यों इन लोगों की बात आज तक अनसुनी किया गया, क्यों इनको लॉलीपॉप दिया गया। ये वही लोग हैं जब आप लोग वोट लेते हैं तो इनके घर में चाचा मामा ताया भाई बहन मौसा मौसर बनकर जाते हैं और जब आप वोट बैंक की राजनीति खत्म तो इन लोगों के इनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। बदलाव का नाम ही सियासत है और अब बदलाव की कहीं ना कहीं एक तस्वीर दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डेली वेजर्स ने भी कहा कि जिस तरह से पंजाब में भगवत मान ने 35,000 डेली वेजर्स को आते ही सीएम मनते ही 3 दिन के अंदर परमानेंट का आदेश दे दिया, वही दूसरी तरफ और अल्टीमेटली वही होता है जो हर बार प्रदर्शनों में देखने को मिलता है कि आप डिटेन कर लिया गया है, डिटेन कर रहे हैं यहाँ पर। ये हमारे जम्मू की बदलती तस्वीर, खुशहाली ही खुशहाली और अब वो लोग जो कि किसी एक पार्टी के प्रवक्ता बनकर यहाँ पर ज्ञान बांटते हैं आज वो कहाँ है, क्या उनको इनके हालात दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हर त्योहार के दिन इनके परिवार के चेहरों पर मायूसी होती है। ये वो लोग हैं जो अपने परिवार से चेहरा छुपाते फिरते हैं, परिवार का सामना नहीं कर पाते। और इस समय अब और देखिए किस कदर यहाँ पर इस समय छावनी को तब्दील कर दिया जाए, जब भी कोई हक की बात करता है तो पुलिस को आगे कर देती है या एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन। और देखिए किस कदर यानी कर क्या गुनाह किया उन्होंने, क्या पाप कर दिया जो इन्हें, और ये होशियार सिंह डेली वेजर जो इनको पुलिस डिटेन करते हुए सर क्या कहना चाहोगे सर। ये देखो ये प्रशासन हमारे ऊपर लाठियां चला के हमारी डिमांडें खाली, हमने वेजेस मांगी है, रेगुलेशन पॉलिसी मांगी है, इन लोगों के साथ क्या इंसाफ किया जा रहा है, क्या ये गवर्नर रूल है मुझे बताइए, ये कहाँ प्रशासन हमारे खिलाफ चले गई है पूरी हमें बताइए, हमने अपनी डिमांड वाले मार रहे हैं मैडम, मार रहे हैं यहाँ जबरदस्ती गाड़ी में चल रहे हैं, बैठने की कोशिश कर रहे हैं, ये जबरदस्ती कह रहे हैं हमारी आगे कोई बात नहीं सुन रहा है, ऐसा ही होता है आपकी बात करो तो पुलिस को आगे कर दिया जाता है। मैडम ये हमारी बात नहीं सुन रहा, क्या हमारी बात कोई नहीं सुनता है, आपको हम अंदर करेंगे, आपको हम अंदर करेंगे, क्या करेंगे थोड़े दिन में क्यों पड़े हो चक्कर में, दिल्ली भी चर्चा जब आएगा अपनी हंकार में तो हो जाओगे, भाजपा वालों चकना चोर बीजेपी वालों खुद सुन लो आपने हमारा शोषण कर दिया, ये आने वाली सरकार है 144 लगा देते है, पुलिस लगा देती है, कभी हमारी आंगनबाड़ी आते आती है, कभी हमारे बॉर्डर बटालियन वाले आते हैं, कभी हमारे पीडीडी वाले आते हैं, और एलजी प्रशासन ने यही सोचा कि इन पे लाठी चार्ज करे, जब तक हमारे डॉक्टरों में साथ उन्होंने कहा कि अपने और ये पुलिस द्वारा डिटेन करते हुए क्योंकि आज राजभवन का घेराव करना था इन डेली वेजर्स ने और वही दूसरी तरफ छावनी में तब्दील कर दिया गया पूरे एरिया को। रविंदर राणा जी आओ बैठे था अब उठ जाइए, और रविंदर राणा जी जम्मू जम्मू की आवाज देने वाले आज कहां पर हो आप लोग, भाजपा के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी, नहीं चलेगी।
चलाई है उसको हम पूरा करके रहेंगे। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं।